अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन और मैं हूं राजा अकिब यासीन आकिफ। आज मैं एक ऐसी शख्सियत पे बात करने वाला हूं जो सियासत को खिदमत समझ के करते हैं, जिनका स्लोगन है अवाम दोस्त एमपीए। जी हां, आज मैं बात कर रहा हूं आरिफवाला के साबिक एमपीए, साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर फर्रुख जावेद के बारे में। नाज़रीन, डॉक्टर फर्रुख जावेद आरिफवाला की तारीख में मुसलसल 3 बार मुंतखब होने वाले एमपीए हैं, जिनका दौरे हुकूमत 15 साल कायम रहा। डॉक्टर फर्रुख जावेद इंतहाई नफीस और साफ़ सुथरे किरदार के मालिक हैं। ये एक ऐसे सियासतदान हैं जिनकी नफासत और खुश तबी पर आफ्ताब इकबाल भी खामोश ना रह सके। मुसलसल 15 साल एमपी रहने वाले डॉक्टर फर्रुख जावेद इंतहाई बाकिरदार और शरीफुल नफ्स इंसान हैं। इनकी शराफत का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि 15 साल मुसलसल एमपीए रहने के बावजूद आपके दामन पर किसी बदनवानी या करप्शन का एक भी छींटा नहीं। आज तक बदनवानी का कोई भी केस इनके खिलाफ किसी भी अदालत में नहीं चल सका। यही वजह है कि इनके सियासी मुखालफीन भी इनको अच्छे अल्फाज से याद करते हैं। डॉक्टर फर्रुख जावेद ने अपने दौरे हुकूमत में आरिफवाला की तारीख में कई मनसूबे शुरू किए, जिनमें रेस्क्यू 1122 का आरिफवाला में क्याम, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आरिफवाला की बिल्डिंग को रिनोवेट करना और उसमें पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस का आगाज़, जबकि THQ आरिफवाला में चाइल्ड एमरजेंसी का क्याम भी डॉक्टर फर्रुख जावेद के अहम मनसूबों में शामिल है। डॉक्टर फर्रुख जावेद अपने अवामी हलका में बेहद मकबूल सियासतदान हैं। आपका अवामी डेरा 24 घंटे अवाम की खिदमत के लिए खुला रहता है। मरीजों की आयादत हो या फौज शुदगान की फातह खानी, डॉक्टर फर्रुख जावेद हर मामले में पेश नज़र आते हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। उर्दू और पंजाबी शायरी का अपने जलसों में इस्तेमाल डॉक्टर फर्रुख जावेद की तकरीरों को 4 चांद लगा देता है। कड़ी पल दे बाब रोलिया नाल रोज रोज हनेरियां कुलदियां नहीं वेले औखड़े सौखड़े लंघ जांदे सज्जण याद रहंदे गल्लां भुलदियां नहीं। नाजरीन, आने वाले दिनों में आरिफवाला के बकिया सियासतदानों की भी मुख्तसर तारीख आपके सामने रखी जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।